श्री शिवानमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रामबाण उपाय लेकर आई हूँ जिसे आपने कर लिया तो आपकी इन चार में से जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, यदि आपके घर में रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या हो, यदि आपके परिवार में आपका या आपके घर के किसी सदस्य का विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके घर में संतान सुख नहीं है, तो आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। देखिए, अभी 27 मई से लेकर 17 जून तक बहुत ही विशेष सोमवार पड़ने वाले हैं। जेठ माह के सोमवार आने वाले हैं, जो कि चार सोमवार होंगे। ये इस प्रकार हैं, 27 मई को है पहला सोमवार, 3 जून को है दूसरा सोमवार, 10 जून को है तीसरा सोमवार और 17 जून को है चौथा सोमवार। इनमें से यदि किसी भी सोमवार को आपने उपाय कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको उपाय सिर्फ बताऊंगी ही नहीं, करके भी दिखाऊंगी। शिव महापुराण के कथा के उपाय हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 27 मई से 17 जून तक चार सोमवार पड़ेंगे और इन चार सोमवार से किसी भी एक सोमवार को आपको इस मनोकामना पूर्ति उपाय को जरूर करना है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या शिव जी के शिवालय में भी पहुंचकर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस उपाय को अपने घर के मंदिर में अपने घर के शिव जी के ऊपर करके बताऊंगी। चलिए उपाय क्या करना है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको करनी है शिव जी की शीतल आरती। जी हाँ दोस्तों, इस आरती में आपको न तो दीपक लेना है, न बाती लेनी है, न घी लेना है, तो फिर लेना क्या है? देखिए, आपको लेना है मात्र एक सफ़ेद फूल। जी हाँ दोस्तों, जो सफ़ेद फूल होता है ये कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि हर सिंगार हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, कोई सा भी फूल हो सकता है, लेकिन सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और इस फूल को लेकर आप अपने घर में या फिर शिव जी के मंदिर में जब पहुंच जाएं तो आपको शिव जी के पीछे खड़े हो जाना है और इस फूल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। इस प्रकार से रख लेंगे और रखने के बाद आपको शिव जी की आरती उतार लेनी है। जैसे कि यदि आपको आरती नहीं आती है तो भी आप लोग कम से कम 7 बार इस सफ़ेद फूल को लेकर शिव जी के सामने ऐसे ही घुमा दें, और अगर आरती आती है तो जो ओम जय शिव ओम कारा वाली आरती है उस आरती को गा लें। जब आपकी आरती पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको ये जो सफ़ेद फूल है इसे शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको अपना नाम और गोत्र लेना है इस फूल को अपने हाथ में रखकर। उसके बाद इस फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करा देना है, यानी कि स्पर्श करा देना है। उसके बाद आपको इस सफ़ेद फूल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार चढ़ा देना है, यानी कि डंडी का मुख जो है वो आपके तरफ होगा और फूल का मुख जो है वो शिव जी की तरफ होगा। अब आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे पूरी करने के लिए आपको बाबा से विनती करनी है। जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके घर में संतान सुख नहीं है या आपके घर में धन की समस्या है, जो भी आपके घर में परेशानी है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए महादेव से विनती करें, प्रार्थना करें और आप अपने घर वापस आ जाएं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया, ये जो शीतल आरती वाला उपाय है ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और जेठ महीने के सोमवार के दिन किया जाने वाला ही उपाय है। यदि आपने जेठ महीने के चार में से किसी भी एक सोमवार को इस उपाय को कर लिया तो आपकी इन चारों में से जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।